أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ

पैर नबी अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में से बाज़ लोगों को ये एज़ाज़ अता फ़रमाया कि उन्हें सबसे बेहतर उम्मती लोगों में सबसे अच्छा मोमिनों में सबसे अच्छा मोमिन मुसलमानों में सबसे अच्छा मुसलमान करार दिया इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई आज की ये हदीस भी शामिल हो जाती है जो हमने आपके सामने पढ़कर सुनाई यह हदीस इमाम हाकिम ने अपनी किताब मुस्दरक के अंदर रिवायत की है उसे सही करार दिया है इमाम जहबी रमत ने इस उनकी तायद करते हुए कहा है कि हकीकत में यह हदीस सही है यह हदीस दरअसल एक वाक़ है और वाक़े के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल है हज़रत अब्दरमान अपने आउफ़ रदी अल्लाह तन फरमाते हैं कि हजरत बिन उबैदल रदी अल्लाह तन ने आमिरब ने फ़ोरा जो कि ग़ुलाम थे आमिर आमिरब ने फ़ोरा रज़ील्ल्हु तूस उसको कुछ कह दिया सहाबा इंसान थे इंसानी ज़िंदगी के जो मामला होते हैं वो साहबा की ज़िंदगी में भी थे कुछ मामला होते थे तो बशरी तकादे के तहत कुछ सख्त अल्फ़ाज़ या कुछ डांटने डपटने वाले अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करना इंसानी तबीयत के मुताबिक सहाबा की ज़िंदगी का मामूल था हज़रत तल बिन अबैदुल्ल रदी तु जब उन्होंने ये बात हजरत आमिरबन फ़हरा से कही हज़रत अब्दरमान फरमाते हैं कि रसूल अक्रम सम ने फ़रमाया कि मैलया तलह अलह ज़रा अपने आप पर काबू रखो जिस तरह तुम जंग बद्र में शरीक हुए थे फजीलत के मुस्क़ हुए थे ये आमिरबन फ़ुरा भी जंग बद्र में शरीक हुए उनकी भी फजीलत है और उसके बाद नबी अली सला ने कहा खैरुम खैरु कुमली मवाली तो मैं सबसे बेहतर आदमी वो है जो अपने गुलामों के साथ बेहतर सलूक करे हाजी ने रामी इस हदीस में जो वाक्य आया है उस वाक्ये से ज्यादा जो अल्लाह के नबी व्म ने अखीर में बुनियादी उसूल दिया है। जो ज़ाबिता नबी अलैहि आसलात साम ने दिया है ये ज़ाबिता हमारी और आपकी ज़िंदगी के लिए बड़ा ही रहनुमा उसूल है बड़ा अहम रहनुमा उसूल है और वो उसूल ये है कि देखो ये जो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने ग़ुलाम बना दिया है अल्लाह के नबी के ज़माने में जो गुलाम होते थे वो ग़ुला भी होते थे और वो नौकर चाकर भी होते थे नए ज़माने में गुलामों का दौर नहीं रहा है लेकिन नौकर खादिम मातहत लोगों का मसला हमारे साथ है जो गुलामी के अहकाम है वो अहकाम तो इनपे लागू नहीं हो सकते लेकिन बाहसीत नौकर जो हिदायत गुलामों के बारे में दी गई वो हिदायत आज के खादिमों पर भी लागू होती हैं और नबी अलैहि सलाम ने इस हदीस में जो बात कही है कि तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो अपने गुलामों के साथ बेहतर सलूक करे इसमें गुलाम के साथ बेहतर सलूक की बात भी है इसमें नौकर चाकर के साथ बेहतर सलूक की भी बात है और इसी हवाले से हमारे और आपके सामने ये सबक मिलता है कि खैरनास की फहरिस्त में शामिल होने के लिए हमें जिस सिफत से मुतसिफ होना चाहिए वो सिफत ये है कि हमारे पास काम काज करने वाले जो नौकर चाकर हैं उनके साथ हमारा सलूक बेहतर होना चाहिए देखिए काम काज में होने वाली गलती पर तमबीह करना काम काज में होने वाली गलती पर उनको टोकना इससे इस्लाम आपको मना नहीं करता है लेकिन उस तमबीह में लबो लहजा अच्छा होना चाहिए जबान अच्छी होनी चाहिए और इस तमबीह के अलावा दीगर अवकात में उनके साथ सलूक अच्छा होना चाहिए इस्लामी शरीयत आपको ये सिखाती है। लोग इफरातो तफरीद से काम लेते हैं कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर शरीयत की तालीम को मानकर अगर हम उनको डांटेंगे डपटेंगे नहीं तो वो बिगड़ जाएंगे हमारे काम बिगड़ जाएंगे नहीं आपने इस्लामी तालीम को नहीं समझा इस्लाम ने आपको यह नहीं कहा कि उनकी गलती पर ना टोको ये तो नहीं कहा बिल्कुल आप उनको की गलती पर टोकें उनको तंबी करें उनके गलती करने पर आप उनको जो है कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जिससे वो आइंदा रुक जाए लेकिन जबान आपकी गंदा ना हो गाली गलोच ना हो उनके जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले ना हो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि डांड डपट, डांड डपट का काम करें वो काम सुधार लाए काम के अंदर बजाय इसके कि आपके तयों उनके दिल के अंदर नफरत का जज्बा पैदा हो एक तरफ ये और दूसरी तरफ कुछ लोग इस हद तक गुलू कर जाते हैं डांड डपट जायज है का मतलब ये नौकर का मतलब ये समझ लेते हैं कि वो नहीं माफ कीजिए मुझे इस लफ्ज के लिए हमारे समाज की सच्चाई है उनकी माँ बहनों को तक बखशने के लिए तैयार नहीं होते इस्लाम ने यह अखलाक हम और आपको नहीं दिए इस्लाम ने हम और आपको यह सिखाया है कि हम अपने मातहतों के साथ अच्छा सलूक करें प्यारे नबी सल्लाम की यह हदीस आप सुने नबीसलातम ने गुलामों के बारे में ये बात कही और जैसे मैंने कहा गुलामी के अहकाम के अलावा बकिया मामला जो खादिम के हसीियत से थे उन पर भी लागू होते हैं और आज के दौर के खादिमों पर भी नबी अलीसलातलाम ने कहा खाकुम ये तुम्हारे अपने भाई हैं तुम्हारे अपने मातहत साथी हैं तुम्हारे जुम्हतु लाहु ये अल्लाह ताल का फैसला है कि अल्लाह ने उन्हें तुम्हारा मातहत बना दिया सोचो ये भी तो हो सकता था कि उन्हें तुम्हारा मातहत तुम्हें उनका मातहत बना देता तुम्हारी जगह वो उनकी जगह तुम हो जाते इसलिए तुम क्या करो तुम करो ये कि जब कभी अपने किसी भाई को अपने मातहत देखो तो उसके साथ बेहतर सलूक करो कैसे बेहतर सुलूक जो खाते हो उसे खिलाओ जो जो पहनते हो उसे पहनाने की कोशिश करो नबी सलाम ने जो अहकाम दिए वो ये भी हैं कि आपने कहा कि काम लेते हुए भी इसका ख्याल रखो कि काम वही लो जो उनकी ताकत के अंदर हो तो अपने मातहतों के साथ बेहतर सलूक करना ये हम और आपको समाज के बेहतर लोगों में शामिल करता है और आज आपके सामने ये बात भी मैं बताना चाहूंगा याद रखें जिस कंपनी का मालिक अपने पास काम करने वाले कारीगो कारीगरों की इज्जत नहीं कर सकता उनकी अच्छे अंदाज में उनका साथ सलूक नहीं कर सकता जो मालिक अपने नौकरों के साथ अच्छा रवैया इख्तियार नहीं कर सकता जो जिम्मेदार अपने मातहतों के साथ सही लबो लहजा नहीं इख्तियार कर सकता वो कभी भी अपनी कामया अपनी अपनी कंपनी को अपने कारोबार को अपने इदारे को कामयाबी से हमकिनार नहीं कर पाएगा वजह क्या है लोग फिर नीम दिली से काम करेंगे आप उनकी गलती पर उनको टोकें, लेकिन इतने अच्छे अंदाज से टोकें कि उनको गलती का एहसास हो जाए लेकिन उनका दिल आपके दिल से मिला रहे उनका दिल आपके दिल से मिला रहे इसकी कोशिश आपको करनी चाहिए टीम छोटी हो लेकिन लोगों के दिल दिल से मिले हुए हो वो छोटी टीम बड़ा कारनामा कर दिखाती है अफराध बेशुमार हो दिलों में नाराजगिया हो एक दूसरे के साथ जुड़ते ना हो ऐसे लोग कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे पाते बल्कि उनकी कारकर्दगी में कमी आती है उनका अपना जो इंताज होता है वो जो प्रोडक्ट दे पाते हैं वो कभी क्वालिटी में उतने मैारे नहीं पहुंच पाता है। इस्लामी शरीयत के सिखाया हुआ ये अदब इन नौकरों का हक भी है कि उनके साथ बेहतर सलूक किया जाए और दूसरी तरफ हमारी और आपकी जिंदगी में कामयाबी के लिए एक रहनुमा उसूल भी है जो अल्लाह ताला ने हम और आपको सिखाया नौकरों का हक है आप इसे याद रखें नबी सलाम जब दुनिया से रुखसत हो रहे थे इंतकाल से पहले आखिरी आखिरी अवकात में आपने जो नसीहतें की उनमें से यह भी थी कि अपने लौंडियों और अपने गुलामों के साथ बेहतर सलूक करो इस्लाम की इस तालीम का मतलब अपनी लौंडी और गुलामी की शक्ल में जो तुम्हारे पास है उनके साथ या नौकर चाकर की शक्ल में आए तो उनके साथ भी बेहतर सलूक हमारा और आपका जारी रहना चाहिए यह उनका हक है और दूसरी तरफ उनके साथ बेहतर सलूक हमारे और आपके काम जो वो करते हैं उन कामों को और ज्यादा बेहतर करने उनमें 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 निखार लाने उन सुधार लाने सुधार क्वालिटी को बढ़ाने उसमें कैफियत को बढ़ाने और बसा औकात क्वांटिटी को भी बढ़ाने में बड़ा मुआवन और मददगार होगा वो आपकी बात को बेहतर तरीके से समझ कर काम को पूरा कर पाएंगे तो आप तरक्की करते चले जाएंगे तो इस हदीस में नबी सलात यह बात हम और आपको सिखाई बतलाई है कि हम अपने मातहतों के साथ अच्छा सलूक करें देखिए अनसिम ने मालिक रजी अल्लाह रजाकारा तौर पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम बन जाते बना दिए जाते हैं उम्मिर जो आपकी वालिदा मोहतरमा हैं आपको लाकर नबी नबीत वाम की खिदमत में दे देती हैं दस साल के आप बच्चे हैं फिर दस साल अल्लाह के नबी की खिदमत करते हैं आप सोचें एक तरफ दस साल खिदमत है और हमेशा चौबीसों घंटे आपके साथ रहने का मामला है और दूसरी तरफ खादिम दस साल का बच्चा है कितनी गलतियां नहीं किया होगा कितनी मरतबा नबी सातम की मर्जी के खिलाफ बातें नहीं हुई होंगी हजरत मालिक रद्ल तु कहते हैं पूरे दस साल खिदमत के इस दौर में नबी सलात सलाम ने न कभी मुझे डांटा न कभी मुझे डपटा न कभी नबी सलात सलाम ने कोई गलती हो गई तो मुझसे कहा ऐसा क्यों किया वैसे क्यों किया नबी सलाम ने ऐसा नहीं किया बल्कि कहते हैं एक मरतबा का वाकिया बयान करते हैं कि मैं अल्लाह के नबी ने मुझे किसी काम से भेजा घर से निकला बच्चों को खेलते देखा उम्र बचपन की थी खेल में लग गया भूल गया अल्लाह के नबी किस काम से भेजे थे थोड़ी देर के बाद क्या देखता हूं कि पीछे से आवाज आती है कि अनस जो काम दिया था तो वो काम हुआ के नहीं कहते हजरत अनसिम ने मालिक के मैंने कहा अल्लाह के नबी अभी जा रहा हूँ अल्लाह के नबी ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा हम और आप होते तो क्या कहते बच्चे को मार भी देते डांट भी देते नौकर है मेरा तो जो है डांट कर डपट कर समझते हैं कि हमारा हक है हम जो चाहे कह सकते हैं नहीं अपनी जबान को अपने मामले को अच्छा रखें अपने मातहतों के साथ ये आपका दीनी फरीजा भी है और आपकी दुनिया में आपकी कामयाबी ने कामयाबी का एक बड़ा अहम गुर है एक बड़ा अहम जो है रास्ता है जिससे आप अपने नौकरों से अपने मातहतों से ज्यादा से ज्यादा बेहतर चीज़ को निकाल सकते हैं उनकी सलाहियतों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं मैं अपनी गुफ्तगु को ख़त्म करते हुए अल्लाह तला करता हूँ कि अल्लाह तला और आप सभी हजरात और खवात